बात की कंपनी ने बनाया है। इसमें हमें 3000 वॉट का मोटर मिलता है। 80 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इस बाइक में पिकअप काफी अच्छा है। 0 टू 50 की स्पीड ये बाइक 4.2 सेकंड में अचीव कर सकती है। 4.32 किलोवाट आवर की यहाँ पर हमें लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि नॉन रिमूवेबल है। 150 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज है। 6 आवर्स में इसकी बैटरी फुल चार्ज होती है। यहाँ पर भी हमें फ्रंट में ड्यूल डिस्क और रियर साइड में सिंगल डिस्क का सेटअप मिल जाता है। इस बाइक में हमें रिमोट की, एंटीसी ब्लॉक, राइडिंग मोड, पार्किंग मोड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। कंपनी इसकी बैटरी में 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। ओडिसे इवोक फिस की प्राइसिंग है 1.5 लाख रुपीज और इस बाइक की भी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमारी लिस्ट में ऐसी बाइक्स भी हैं जो कि आपके बजट में इजीली आ जाएंगी। नंबर 8, एटम 1.0। अगर आप बजट में एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एटम 1.0 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इस बाइक का लुक काफ़ी हद तक यामा RX 100 के जैसा दिखता है और दिखने में ये बाइक मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर तक की है, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में इसकी टॉप स्पीड 35 से 40 किलोमीटर तक भी चली जाती है। इसमें एक खास बात है, इसकी जो लिथियम आयन बैटरी है वो रिमूवेबल है। ये बैटरी 3.5 आवर्स में फुल चार्ज होती है और 100 किलोमीटर इसमें हमें रेंज मिल जाती है। इसके बैटरी कंपार्टमेंट में 2 बैटरीज आसानी से फिट हो जाती हैं। यहाँ पर हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर साइड में ड्रम ब्रेक मिल जाता है। कंपनी का कहना है कि इस बाइक को चलाने में पर 100 किलोमीटर में 7 to 10 रुपीज़ का खर्चा आएगा। ये एक लो स्पीड कैटेगरी की बाइक है तो इसके लिए ना ही आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लाइसेंस की, लेकिन आप हेलमेट पहन के ही बाइक चलाइएगा। इसके मोटर में हमें 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, वहीं लिथियम आयन बैटरी में 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। ये बाइक जब लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइसिंग थी 50,000 रुपीज, लेकिन अब इस बाइक की प्राइसिंग थोड़ी बढ़ गई है। अब आप इस बाइक को 55,000 की प्राइसिंग में परचेस कर सकते हैं। नंबर 7, SVM प्राना। इस बाइक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। SVM मोटर्स के co-founder हैं मोहन राज रामासामी, जो कि कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज में काम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग टेस्ला, तो इनका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। इनकी जो बाइक है प्राना, ये 0 टू 60 की स्पीड 4 सेकेंड में अचीव कर सकती है। 123 किलोमीटर इस बाइक की टॉप स्पीड है। यहाँ पर हमें फ्रंट में ड्यूल डिस्क सेटअप मिलता है और रियर साइड में सिंगल डिस्क मिल जाता है। ये बाइक फिलहाल 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, प्राना ग्रैंड और प्राना इलाइट। इनका प्राना क्लास वेरिएंट भी आने वाला है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। प्राना ग्रैंड और प्राना इलाइट सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस बैटरी का है। प्राना ग्रैंड में हमें 4.32 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि 4 आवर्स एंड 15 मिनट में फुल चार्ज होती है और 126 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज है। वहीं प्राना इलाइट में हमें 7.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है। ये बैटरी 6 आवर्स एंड 30 मिनट में फुल चार्ज होती है और 225 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज है। दोनों वेरियंट्स में हमें नॉन रिमूवेबल बैटरीज मिलती हैं। बाकी इस बाइक में 3 राइडिंग मोड्स हैं, इसके अलावा एक पार्किंग मोड भी है। प्राना ग्रैंड की प्राइसिंग है 2 लाख रुपीज, वहीं प्राना इलाइट की प्राइसिंग है 2.75 लाख रुपीज। यहां पर मोटर, चार्जर, कंट्रोलर और बैटरी में 2 इयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। नंबर 6, जॉय ई बाइक। ये एक स्मॉल साइज की इलेक्ट्रिक बाइक है, चलाने में राइड टू फन है। यहाँ पर हमें 1500 वॉट का मोटर मिलता है। 60 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इसमें हमें 2.37 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि फिक्स्ड है, यानी कि आप इसे निकाल नहीं सकते। 100 किलोमीटर इस बैटरी की टोटल रेंज है और 5 आवर्स में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। इस बाइक में हमें फ्रंट में USD फोक्स मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक का सेटअप भी मिल जाता है। इसकी सीट हाइट काफी लो है तो लेडीज भी इसे बड़े आराम से चला सकती हैं। इसमें छोटे टायर यूज किए गए हैं जो कि 12 इंचेस के हैं। इस बाइक की प्राइसिंग है 98,000 रुपीज। यहाँ पर हमें ओवरऑल बाइक में 2 इयर्स की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है और 5 इयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर तक की कंडीशनल वारंटी मिलती है। अनकंडीशनल वारंटी में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा
और कंडीशनल वारंटी में आपकी गलती के कारण अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए जाएंगे। नंबर 5, कबीरा के M3000। यहाँ पर 6000 वॉट का मोटर यूज़ में लिया गया है जो कि 0-40 की स्पीड 3.1 सेकेंड में अचीव कर सकती है और 100 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। 4 किलोवाट आवर की यहाँ पर हमें नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर तक का रेंज देती है और 4-5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पर हमें फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाता है और CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम का भी फीचर है। कबीरा के M3000 की प्राइसिंग है 1,26,990 रुपीज़। कंपनी ने इस बाइक की वारंटी के बारे में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने जब इन्हें इंस्टाग्राम में DM किया तब वहां से रिप्लाई आया कि इस बाइक में हमें 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। नंबर 4, कबीरा के M4000। इस बाइक का जो लुक है वो यामाहा FZ2.0 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर हमें 8000 वॉट का मोटर मिलता है, 0-40 की स्पीड ये बाइक 3.1 सेकेंड में अचीव कर लेती है और 120 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। यहाँ पर भी हमें नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है जो कि है 4.4 किलोवाट आवर की। ये बैटरी 6 आवर्स एंड 30 मिनट में फुल चार्ज होती है और सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक का रेंज कवर करती है। KM 4000 की प्राइसिंग है 1,36,990 रुपीज़। यहाँ पर भी हमें सेम 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। नंबर 3, वन इलेक्ट्रिक ग्रेडन आर। ग्रेडन एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है खेलना। इस बाइक में 5000 वॉट का मोटर मिलता है, 95 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, 0-60 की स्पीड ये बाइक 8 सेकेंड में अचीव कर सकती है। यहाँ पर हमें 3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि विद इन 5 आवर्स में फुल चार्ज होती है और 120 किलोमीटर तक का रेंज कवर करती है। ये बैटरी फिक्स्ड है। इसकी प्राइसिंग अराउंड 1,00,000 रुपीज है और इसकी वारंटी के बारे में कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया है। नंबर 2, रिवोल्ट RV300। यहाँ पर हमें 1500 वॉट का मोटर मिलता है, 2.7 किलोवाट आवर की यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि रिमूवेबल है। 180 किलोमीटर इस बाइक की टोटल रेंज है। अराउंड 4 आवर्स में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पर हमें फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और यहाँ पर फ्रंट में USD सॉकअप्स भी दिए गए हैं। इस बाइक में काफी बेसिक फीचर्स हैं जैसे कि नॉर्मल बाइक्स में होते हैं। रिमोट की लॉक, एंटीथेफ्ट अलार्म जैसे फीचर्स यहाँ पर नहीं मिलते। ये बाइक 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, ग्रीन एंड ग्रे। रिवोल्ट RV300 की प्राइसिंग है 95,000 रुपीस। इस बाइक में हमें 5 इयर्स या फिर 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, लेकिन इसकी बैटरी में 1,50,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। नंबर 1, रिवोल्ट RV400। यह है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक बाइक। इस बाइक को मैंने फर्स्ट नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर टॉप स्पीड, फीचर्स, रेंज और प्राइस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पर हमें 3000 वॉट का मोटर मिलता है, 80 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, 3.2 किलोवाट आवर की यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी मिलती है जो कि 4-5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है और सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक का रेंज कवर करती है। ये बैटरी रिमूवेबल है तो आप इसे इजीली निकाल के अपने रूम में भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रिमोट लॉक, एंटीथेफ्ट अलार्म और कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और इसमें GPS एंड जियो फेंसिंग का भी फीचर है। इस बाइक में एक ऐसा यूनिक फीचर है जो आपको और किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में देखने को नहीं मिलेगा और वो है आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट। इस बाइक में एग्जॉस्ट की जगह एक स्पीकर लगा है जो कि डिफरेंट टाइप्स की आवाज निकालता है, तो ये अपने आप में काफी यूनिक फीचर है। ये फीचर आपको बहुत पसंद आएगा। ये बाइक 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, रेड एंड ब्लैक। करीब 90,000 रुपीस रिवोल्ट RV400 की प्राइसिंग है। अब आप बोलेंगे RV400 की प्राइसिंग RV300 से भी कम है, तो मैं आपको बता दूं जो रिवोल्ट RV400 है इसमें फेम 2 स्कीम अप्लाई हो चुकी है। RV300 में फिलहाल फेम 2 स्कीम नहीं आया है, इसलिए अभी के हिसाब से अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है रिवोल्ट की तो आप RV400 ही लेना। बाकी रिवोल्ट 400 के अलावा इस लिस्ट में मैंने आपको जितनी भी बाइक्स के बारे में बताया है उन सभी बाइक्स में कंपनी की तरफ से ऑफिशियली फेम 2 स्कीम अप्लाई नहीं की गई है।
और मैंने आपको सारी बाइक्स की एक्स शोरूम प्राइस बताई है, तो ऑनरोड प्राइस में डेफिनेटली डिफरेंस होगा।